हे गाइस, दिस इज आवर ब्रदर रितिक मेघवानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन मध्य प्रदेश के बारे में। आज हम लोग टॉप 10 जबरदस्त कॉलेजेस कवर करेंगे। मैं आपको प्लेसमेंट बताऊंगा, फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा, रैंकिंग बताऊंगा और भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को आखिरी तक देखें। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारा कॉलेज आ जाता है वो है IIT इंदौर। IIT इंदौर यार एक काफ़ी बढ़िया IIT है। यहाँ पे हम बात करें 2009 में इस कॉलेज को बनाया गया था। आपको इंदौर में कॉलेज मिल जाता है। 501 एकड़ का इसका टोटल कैंपस एरिया है। अगर मैं एडमिशन की बात करूँ तो आपको जी एडवांस देना पड़ता है एंड आपका जोसा काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन हो जाता है। NRF की बात करें तो 13th इसको इंजीनियरिंग में NRF दी गई है। अगर मैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स की बात करूँ, 60 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज गया है। अगर मैं बात करूँ एवरेज पैकेज की तो 25 लाख इसका एवरेज पैकेज है इस साल का। ये जो प्लेसमेंट्स है ये आपका अनऑफिशियल है। बेसिकली यार IIT तुरंत अपने प्लेसमेंट्स अपडेट नहीं करते इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो अनऑफिशियल प्लेसमेंट्स है, बेसिकली ये न्यूज़ वगैरह में आ जाता है। मीडियम पैकेज की बात करूँ 14-16 लाख इसका मीडियम पैकेज है। एंड जनरली हम लोग बात करें तो IITs का जो एवरेज पैकेज है वो 18 से लेकर 22 लाख के बीच में वेरी करता है सारे IITs का। एंड कई कई केस ऐसे भी होते हैं जिसमें 24-25 तक भी प्लेसमेंट चला जाता है। अगर मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की तो 2.64 लाख आपकी एक साल की फीस है। अगर आप जानना चाहते हैं IITs, NITs, IIITs में फीस स्ट्रक्चर में स्कॉलरशिप कैसे मिलती है तो आप ये वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। काफी अच्छी तरीके से डिटेल में समझा रखा है कि कितनी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, कैसे मिलती है, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट जो कॉलेज आ जाता है गाइस वो है IIIT M ग्वालियर। इस IIIT की बात करें ना तो 1997 में कॉलेज बनाया गया था। 160 एकड़ का कैंपस है। JEE मेंस के थ्रू इसमें एडमिशन हो जाता है। NRF की बात करें 106 इसको इंजीनियरिंग में NRF दी गई है। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं 60 लाख के आसपास का हाईएस्ट पैकेज गया है। अगर मैं एवरेज की बात करूँ 16.85 लाख इसका एवरेज पैकेज है। मीडियम पैकेज की बात करें 15.81 लाख के आसपास आपको इसका मीडियम पैकेज देखने को मिल जाता है। तो काफी अमेजिंग प्लेसमेंट्स है यार। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ 1.96 लाख इसकी एक साल की फीस है। अगेन आपको देखना है किस तरीके से स्कॉलरशिप मिलती है तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉलेज आ जाता है गाइस वो हमारा मैनेज भोपाल, जिसको NIT भोपाल के नाम से भी जाना जाता है। 1960 में इस कॉलेज को बनाया गया था। 650 एकड़ में इसका टोटल कैंपस एरिया है। एडमिशन की बात करें JEE मेंस के थ्रू आपका एडमिशन हो जाता है। काउंसलिंग जो है वो जोसा एंड CSAP काउंसलिंग के थ्रू हो जाता है इसमें एडमिशन। रैंकिंग की बात करें 60 इसको इंजीनियरिंग में NRF दी गई है। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं गाइस तो 42 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज है। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज टिल नाउ की बात करूं, मतलब एक दो साल पहले की, तो 1.1 करोड़ इसका हाईएस्ट पैकेज गया था मैनेज भोपाल से। एवरेज पैकेज की बात करें 9 से 10 लाख आपको एवरेज मिल जाता है। CAC की बात करें तो ऐसे केसमेंट 12 लाख 13 लाख भी चले जाता है। मीडियम की बात करें 8 लाख आपको मीडियम पैकेज मिल जाता है NRF डेटा के हिसाब से। तो काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। टोटल अगर एक साल की फीस की बात करूँ 2.24 लाख आपकी एक साल की फीस है हॉस्टल में सारी चीज़ें मिला के। नेक्स्ट जो कॉलेज आ जाता है गाइस वो है IIIT DM जबलपुर। काफ़ी अच्छा कॉलेज है। 2005 में इस कॉलेज को बनाया गया था। 260 एकड़ का कैंपस है। JEE मेंस के थ्रू आपका एडमिशन हो जाता है। काउंसलिंग जो है वो आपकी जोसा एंड CSAP काउंसलिंग होती है। रैंकिंग की बात करें 80 इसको इंजीनियरिंग में दी गई है। 80 प्लेसमेंट्स की बात करते हैं 43 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज की बात करें 11.23 लाख इसका एवरेज पैकेज है। मीडियम की बात करें 8.9 लाख, ऑलमोस्ट 9 लाख के आसपास आपको मीडियम पैकेज मिल जाता है। एंड गाइस यहाँ पे अगर बात रही प्लेसमेंट्स की तो इंडिया में आज के टाइम में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया आपको एडटेक प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, जिससे यार आपकी जो कॉलेज से न मिलने की प्लेसमेंट की टेंशन है वो ऑलमोस्ट खत्म है। एंड गाइस यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा अल्मा बेटर के बारे में। अल्मा बेटर गाइस इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया कोर्सेज प्रोवाइड कराता है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, जिनको कंप्लीट करके आप 6 लाख से लेकर 25 लाख तक की प्लेसमेंट यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको वेब डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है वेब 3 के साथ, जो कि पॉलीगॉन के साथ कोलैबोरेशन में तैयार किया गया है। एंड गाइस बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये भी है कि पॉलीगॉन इनका ऑफिशियल हायरिंग पार्टनर भी है। इनका गाइस मानना है कि मार्च 2023 तक इनको 30,000 वेब डेवलपर्स रेडी कर रहे हैं, जो कि ये लोग डेफिनेटली करने वाले हैं। इस कोर्स की अगर मैं बेस्ट चीज़ बात करूँ तो आपका जो इफेक्टिव प्राइस पड़ता है पूरे कोर्स का वो 0 रुपीज़ है। एंड ये पे आफ्टर प्लेसमेंट पॉलिसी के ऊपर काम करते हैं। बेसिकली आपकी जब तक जॉब नहीं लग जाती, जब तक आपको प्लेसमेंट नहीं मिल जाती, तब तक आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। जब भी आप कोर्स के लिए एनरोल करते हैं तो यहाँ पे आपको एक डिपॉजिट पे करना पड़ता है एंड वो आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो आपको रिटर्न कर देते हैं। तो ओवरऑल इफेक्टिव प्राइस इस कोर्स का 0 रुपीज़ आपको पड़ता है। सेकेंड बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाती है बेस्ट इंडस्ट्री प्रोफेशनल से। तो गाइस जिनको भी लगता है कि हमारे कॉलेज में एवरेज पैकेज काफ़ी कम है या फिर कंपनीज नहीं आती है, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आप RITIK25 कोड यूज़ करते हैं तो आपको सीधे 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट। फीस की बात करें 2.08 लाख आपकी एक साल की फीस होती है। नेक्स्ट जो कॉलेज आ जाता है गाइस वो है IIIT भोपाल। इस कॉलेज को लेकर मैं थोड़ा सा शौक हूँ प्लेसमेंट्स के मामले में। 2017 में यार इस कॉलेज को बनाया गया है। काफ़ी नया IIIT हम लोग बोल सकते हैं। एंड आपका 50 एकड़ का कैंपस है। JEE मेंस के थ्रू आपका एडमिशन हो जाता है। काउंसलिंग आपकी जोसा एंड CSAP। NRF यार फिलहाल इसको नहीं दी गई है। प्लेसमेंट्स की बात करें गाइस तो हाईएस्ट पैकेज जो है वो इस साल का 30 लाख तक गया है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल एवरेज पैकेज की तो 12.69 लाख आपको एवरेज पैकेज मिल जाता है IIIT भोपाल में। अगर मैं बात करूँ IIT की तो 14.5 लाख इसका एवरेज पैकेज था। CSE की बात करें 13.5 लाख। अगर मैं ACE की बात करूँ 9 लाख इसका एवरेज पैकेज गया था इस साल का। तो प्लेसमेंट्स काफ़ी बढ़िया है IIIT भोपाल के हमें देखने को मिल रहा है। एंड काफ़ी बढ़िया कॉलेज है, मतलब अभी अभी बना है एंड इतनी अच्छी ग्रोथ, इंप्रेसिव।
फीस की बात करें टोटल फीस जो है एक साल की 2.5-2 लाख के आसपास आपको मिल जाती है। नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम बात करें तो वह आ जाता है SGSITS जो कि इंदौर का काफी फेमस कॉलेज है। 35 एकर में इसको बनाया गया है। जेईई मेंस के थ्रू आपका एडमिशन होता है। काउंसलिंग जो है आपकी DT MP होती है। रैंकिंग की बात करें 181 आपको इंजीनियरिंग में NRF मिल जाती है। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं हाईएस्ट पैकेज 44 लाख का इस कॉलेज से। एवरेज की बात करें 7 लाख एवरेज मिल जाता है विच इज़ क्वाइट गुड। अगर मैं बात करूँ मीडियन की तो 5.53 लाख के आसपास आपका मीडियन पैकेज है। एंड अगर मैं बात करूँ यार फीस स्ट्रक्चर की तो 1.5 से लेके 1.8 लाख तक आपकी फीस चली जाती है। आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी लग रही है, ठीक है। तो ये भी यार इंदौर में काफ़ी बढ़िया कॉलेज है। नेक्स्ट जो कॉलेज आ जाता है वर्ड DAVV 1996 में इस कॉलेज को बनाया गया था। 764 एकर्स का इसका टोटल कैंपस एरिया है। अब यहाँ पे यार एक बात मैं आपको बता दूँ कि 764 एकर्स का इसका टोटल कैंपस एरिया है, लेकिन अगर मैं बात करूँ बिल्डिंग्स वगैरह एंड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ में वो यार 40-50 एकर के आसपास रहते हैं, ठीक है। तो 764 एकर्स है कॉलेज का कैंपस एरिया, लेकिन वो पूरा यूज़ में नहीं रहता है। अगर मैं बात करूँ एडमिशन की तो जेई मेंस के थ्रू आपका एडमिशन होता है। काउंसलिंग आपकी DT MP काउंसलिंग होती है। NRF की बात करें 251 से लेकर 300 के बीच में आपके NRF देखने को मिल जाती है। प्लेसमेंट्स की बात करें इस साल के प्लेसमेंट्स की 57 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज की बात करें 6 लाख आपको एवरेज मिल जाता है। मीडियन की बात करें 5.1 लाख के आसपास आपका मीडियन पैकेज है। यहीं पे मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की तो 1.4 लाख यार आपकी एक साल की फीस है। यहीं पे मैं बात करूँ तो आपका जो मैथ चार्जेस है वो एक्स्ट्रा लगता है, डिपेंड करता है 3,000-3,500 के आसपास पूरे महीने में। नेक्स्ट जो कॉलेज आ जाता है गाइस वो है जैक जबलपुर। इस कॉलेज को यार मतलब काफ़ी मानते हैं MP में। एंड 1947 में कॉलेज बनाया गया था। काफ़ी पुराना कॉलेज है एंड इसको ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज भी बोला जाता है सेंट्रल इंडिया में, है ना। तो इसमें यार इसका कॉलेज का काफ़ी नाम है। 255 एकर्स यार इसको टोटल कैंपस एरिया दिया गया है। जेई मेंस के थ्रू आपका एडमिशन होता है। काउंसलिंग जो है वो आपकी मध्य प्रदेश की जो DT MP काउंसलिंग होती है उसके थ्रू एडमिशन हो जाता है। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो हाईएस्ट पैकेज जो है इसका 10 से 20 लाख के बीच में वैरी करता है। कभी कोई कंपनी आती है 14 लाख का देती है, कभी 18 लाख का, कभी 20 लाख का। तो ये इस रेंज में इसका हाईएस्ट पैकेज वैरी करता है। एवरेज की बात करें 4.5 से लेकर 5 लाख तक आपको एवरेज मिल जाता है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो वही एक ऐसी ब्रांच है जो कि प्लेसमेंट्स के मामले में थोड़ी सी बेटर है। अगर दूसरी कोई ब्रांच लेते हो तो उसमें आपको उतने अच्छे प्लेसमेंट नहीं देखने को मिलते हैं। तो भैया ये टॉप 10 की लिस्ट में क्यों है? क्योंकि यार ये काफ़ी फेमस कॉलेज है, है ना। एंड फीस स्ट्रक्चर की बात करें यार तो टोटल 28,000 आपकी फीस लगती है एक साल की, ठीक है, 28,281 के आसपास। तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है यार एंड आपकी काफ़ी कम फीस में आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो कॉलेज आ जाता है गाइस वो है VIT भोपाल। 2007 में इस कॉलेज को बनाया गया था। आपको 200 एकड़ का कैंपस मिल जाता है। यार भोपाल में अभी काफ़ी फेमस हो रहा है ये कॉलेज। एडमिशन की बात करें तो VIT का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू ये कॉलेज मिलता है। बेसिकली यार VIT के एंट्रेंस एग्जाम से आपको सारे VIT के कॉलेजेस मिलते हैं, सारे कैंपसेस मिलते हैं। आपकी रैंक के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको कौन सा कैंपस मिल रहा है। यहीं पर बात करूँ काउंसलिंग की तो VIT की काउंसलिंग से तो एडमिशन हो जाता है। रैंकिंग की बात करें गाइस तो NRF इसको फिलहाल नहीं दी गई है कोई भी। प्लेसमेंट्स की बात करें हाईएस्ट पैकेज 45 लाख इसका दिया गया है। प्लेसमेंट्स की बात करें हाईएस्ट पैकेज 45 लाख है इस कॉलेज का। अगर मैं बात करूँ 2021 की तो वो भी 44 लाख के आसपास था। अगर मैं बात करूँ एवरेज की तो 6.25 लाख आपको एवरेज मिल जाता है इस साल का, जो कि यार काफ़ी डिसेंट है प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से। फीस की बात करें तो अगर आप बायो इंजीनियरिंग ब्रांच लेते हैं तो आपकी 2.43 लाख फीस चली जाती है एक साल की। अगर आप बायो इंजीनियरिंग के अलावा कोई भी और ब्रांच लेते हैं CSE मैकेनिकल वगैरह तो ऐसे केस में आपकी 2.68 लाख एक साल की फीस होती है। नेक्स्ट जो कॉलेज आ जा रहा है वो है JP गुना। JP के भी यार 3-4 कैंपसेज हैं, JP नोएडा एंड JP गुना, JP सोलन। इस पर डिटेल वीडियो बना चुके हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। JP गुना यार 2003 में बनाया गया था। आपको गुना मध्य प्रदेश में मिल जाता है। 125 एकड़ का कैंपस है। JEE मेंस के थ्रू भी एडमिशन हो जाता है, क्लास 12 के बेसिस पे भी हो जाता है। रैंकिंग की बात करें 94 यार इसकी इंजीनियरिंग रैंकिंग है, लेकिन ये मेन कैंपस की है, ठीक है। अगर कोई जैसे VIT भी है तो VIT का जो दूसरा कैंपस है यार उसको अलग से यहाँ पे NRF नहीं दी जाती, वो सब एक ही में काउंट होता है, ठीक है। तो 94 आप इंजीनियरिंग में NRF मान सकते हैं। प्लेसमेंट्स की बात करें 44 लाख इस साल का हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज की बात करें 6 लाख आपको मिल जाते हैं, मीडियम 5 लाख के आसपास है। तो अगेन यार प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से डिसेंट आपको प्लेसमेंट मिल जाते हैं। फीस की बात करें तो 3.3 लाख इसकी एक साल की फीस है, तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा है इस कॉलेज की। सो गाइस ये थे हमारे टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस मध्य प्रदेश के। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2-3 कॉलेजेस और हैं, जैसे MET ग्वालियर हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, और भी 4-5 कॉलेजेस आ जाते हैं। लेकिन टॉप 10 की लिस्ट में हमारी रिसर्च के हिसाब से प्लेसमेंट वाइज एंड ब्रांड नेम वाइज ये हमारे कॉलेजेस आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं हम और किसी सिटी या फिर स्टेट के ऊपर वीडियो बनाएं, मुझे कमेंट करके बता देना। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, पीस आउट।